नमस्कार दोस्तों, सीपी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दैनिक रोजगार समाचार के 9 मई की वीडियो के साथ मैं आ गया हूं और सभी प्रमुख खबरों पे हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे, जिसमें कि 69,000 शिक्षक भर्ती की बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें हैं, एलटी ग्रेड की खबरें हैं, सीबीएसई की परीक्षाएँ हैं, यूनिवर्सिटी की न्यूज है और इंपॉर्टेंट एक खबर है वीडियो के 336 पदों पर। इसके साथ साथ पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए भी खबरें हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहली खबर, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ब्रिज कोर्स करना जरूरी होगा। ब्रिज कोर्स क्या होता है? जो बीएड होते हैं उनको 6 महीने का कोर्स करवाया जाता है, जिसको ब्रिज कोर्स कहते हैं, और ये कोर्स नियुक्ति मिलने के 2 साल के अंदर करना होता है। इसके पहले भी जब भी बीएड की ज्वाइनिंग हुई है प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रूप में, तो उन सभी को ये ब्रिज कोर्स करवाया गया है। तो नियुक्ति पत्र मिलने के 2 साल के अंदर ये करना होता है। परिषद के संशोधन के बाद प्रदेश में पहली भर्ती ये हो रही है और इसका जो संशोधन हुआ था उसके बाद ही ये भर्ती हो रही है। तो 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति पत्र जब मिलेगा तो उसके बाद करना होगा यह कोर्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले राज्यों की मांग पर विशेष स्थिति में केंद्र इसकी अनुमति देता था कि बीएड पास अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्त किया जाए। कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षण यानी बीटीसी, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट या डीएलएड, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाले ही मान्य थे। लेकिन जून 2018 में एनसीटी ने इसमें संशोधन करते हुए बीएड डिग्री धारकों को भी कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पात्र करार दिया, लेकिन उन्हें 6 महीने का कोर्स 2 साल में करना होगा। इससे पहले राज्य सरकार स्पेशल बीटीसी या प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर बीएड डिग्री धारकों को भर्ती करती आई है। 2011-12 में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को मौका दिया गया था। दोस्तों बाल विकास विभाग की एक भर्ती है और इसमें चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताएं मिली हैं, तो इनकी सतर्कता जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भर्ती 2003 में कराई गई थी। अविभागीय अधिकारियों के मुताबिक वर्ष 2003 में विश्व बैंक की सहायता से ICDS तृतीय के लिए भर्ती हुई थी, जिसमें पदों की संख्या से अधिक भर्ती करने और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 294 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। इसके अलावा 353 मुख्य सेविकाओं की भी संविदा पर भर्ती हुई थी। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में एक विशेष आरक्षण वालों को लाभ मिलने वाली भी न्यूज है। और विशेष आरक्षण वालों को लाभ क्या है, जिसमें दिव्यांग व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, आश्रित हैं, इनको अगर ये OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इनको 90 नंबर ही लाना है पास होने के लिए। अब 68,500 वाली जो भर्ती थी उसमें इनको OBC का लाभ नहीं मिला था। दिव्यांग कोटा अलग होता है और वहाँ पर जो पासिंग मार्क था जनरल का वो लाना होता था। उसके हिसाब से अगर इनको देखा जाए तो इनको 97 नंबर लाकर पहले ये पास होंगे, उसके बाद इनको कोटे की सीट मिलेगी। लेकिन अब ये 90 नंबर पे ही पास हो जाएंगे और फिर कोटे की सीट इनको मिल जाएगी। तो ये फ़ायदा इनको हुआ है, जो विशेष आरक्षण को बड़ी राहत मिली है इस भर्ती में। इसके बाद नीचे देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखा है कि BTC अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट। अब ये कैविएट क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी पक्ष जाता है, इनका शिक्षा मित्र अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वहाँ पे किसी भी तरह का स्टे लेने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से स्टे वगैरह नहीं मिल जाएगा उनको आसानी से। BTC अभ्यर्थी उनसे एक कदम आगे हो गए हैं, इन्होंने कैविएट डाल दी है। कैविएट का मतलब होता है कि हमको भी सुनो, मतलब SM गए सुप्रीम कोर्ट और इन्होंने बोला कि इस पे स्टे दे दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट तब तक कोई डिसीजन नहीं देगा जब तक BTC वालों के पूरे मैटर को समझ ना ले। वो BTC वालों को बुलाएगा और उनसे भी उनके अभी पक्ष जानने की कोशिश करेगा, पूरा पक्ष उनका जानेगा कि आखिर भाई ये क्यों ऐसा मांग रहे हैं कि इस पे स्टे दिया जाए। तो एक तरफा कार्रवाई नहीं होती है इसमें, तो इस तरह से ये स्टे वगैरह नहीं मिल पाएगा। तो ये कैविएट डालकर काफ़ी अच्छा काम किया है BTC ने, और BTC अभ्यर्थियों ने अपने रिजल्ट
एंसर की इन सब पर किसी तरह की रोक ना लग पाए, इसलिए इन्होंने कैवियट डाल दी है। उत्तर कुंजी जारी हो गई है आज और अपराह्न 12 बजे के बाद आप इसको देख सकते हैं और वेबसाइट पर देखेंगे आप इसको। लेकिन रिजल्ट में अभी टालमटोल है, रिजल्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में चार बुकलेट सीरीज के प्रश्न पूछे गए थे, चारों की उत्तर कुंजी ये वेबसाइट दी गई है, यहाँ पे जारी कर दी गई है और आप 12 बजे के बाद इसको देख सकते हैं। और इसके बाद 17 मई तक आप इसको देख सकते हैं। 150 प्रश्न थे, 142 पर आपत्ति की गई थी, 21,000 अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की थी, उसका परीक्षण विशेषज्ञों से किया गया है। और इन्होंने ये भी बताया आगे कि उसमें से 3 प्रश्नों के जवाब हटा दिए गए हैं, ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को समान अंक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। तो कितने अंक समान आपको मिलेंगे? 3 अंक। और हालांकि इसका निर्णय परीक्षा कमेटी करेगी, बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती सामान्य को 65 और आरक्षित वर्ग को 60% अंकों के आधार पर होनी है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जो होती है इसकी लास्ट डेट बढ़ गई है और आप यहां पे देख सकते हैं इसकी 20 मई लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। और आवेदन करने के साथ साथ आवेदन में जो संशोधन होता है उसकी डेट भी बढ़ा दी गई है, वो डेट हो गई है 21 से 25 मई तक। और इसके साथ साथ एक अच्छी न्यूज़ ये है कि 5 जुलाई को इसकी परीक्षा की डेट भी तय कर दी गई है। 5 जुलाई रविवार होगा और ऑफलाइन परीक्षा होगी इस दिन 5 जुलाई को, और 6 जुलाई को सोमवार को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसमें आगे लिखा हुआ है, अन्य नवीनतम जानकारी अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से लगातार दी जाएगी। तो दोस्तों, वेबसाइट आप देखते रहिएगा और जैसे हमें भी कोई जानकारी मिलेगी तो वो भी हम आपको यूट्यूब के माध्यम से दे देंगे। विश्वविद्यालयों में 6 जुलाई से शुरू होगा सत्र और शैक्षिक कैलेंडर 2021 जारी कर दिया गया है। शैक्षिक कैलेंडर क्या है देख लीजिए, ये स्नातक स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि जो होगी 14 अगस्त, यानी कि 14 अगस्त तक प्रवेश हो जाएगा। प्रथम वर्ष की कक्षाओं का संचालन जो होगा वो 17 अगस्त से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। विषम सेमेस्टर परीक्षाएं प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर नवंबर 2020 के चौथे सप्ताह में, विषम सेमेस्टर मतलब कि सेमेस्टर 3-5 सेमेस्टर जो हैं इनकी परीक्षाएं होंगी, पहले को छोड़कर। प्रथम वर्ष के सेमेस्टर की परीक्षा जो कि दिसंबर 2020 में होगी, द्वितीय या तृतीय सप्ताह में होगी। और सेमेस्टर प्रारंभ करने की जो द्वितीय सेमेस्टर को छोड़कर 1 जनवरी है, द्वितीय सेमेस्टर 15 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। अंतिम प्रतियोगिक और मौखिक परीक्षाएं दी गई हैं यहाँ पर 27 जनवरी, बाकी अन्य भी सारा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। एलटी ग्रेड के छात्रों के लिए सबसे बड़ी न्यूज है कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट पर जल्द निर्णय होने का आसार है। ये न्यूज जो है प्रयागराज की है, अमर उजाला की न्यूज है। तो एलटी समर्थक मोर्चा का जो दावा है, एसटीएफ ने यूपीएससी को सौंपी है जांच रिपोर्ट, ये मैंने आप बताया भी था। और जाँच रिपोर्ट जो है 23 अप्रैल को सौंप दी गई है, रिजल्ट का भी काम चल रहा है, उसके साथ साथ एलटी की ज्वाइनिंग भी काफ़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। तो उम्मीद है कि एलटी की ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी और 69,000 शिक्षक भर्ती जो है वो उसके बाद होगी। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यह भर्ती 15 विषयों में होनी है, 13 विषयों का रिजल्ट जारी किया जा चुका है और 10 विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को सिफारिश भी शासन को भेजी जा चुकी है। यहाँ पर 10 विषय लिखा हुआ है जबकि एक विषय यहाँ पर और ऐड हो चुका है, अभी विषय करीब 11 हो गए हैं, बस 2 विषय और बाकी हैं। तो इसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तेज हो जाएगी, केवल 2 विषय बाकी हैं। अगली खबर है वीडियो के 336 रिक्त पदों के बारे में। प्रतिनियुक्त से भरने का विचार किया गया है लेकिन इसका बहुत तेज़ी से विरोध हो रहा है। अब यह मामला जो है विधानसभा में भी पहुंच चुका है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने खंड विकास अधिकारी के 336 रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने का विरोध जताया है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से इन पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आरक्षण नियमों का पालन करते हुए भरने का आग्रह किया है। राम गोविंद चौधरी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि ग्राम विकास विभाग में राजपत्रित सेवा नियमावली 1991 में संशोधन करके BDO के लगभग 336 पदों को भरे जाने की कार्रवाई चल रही है। सरकार की इस मंशा से आरक्षित वर्ग की अनुसूचित जाति जनजाति व पिछड़े जातियों के साथ ही सामान्य वर्ग के प्रतियोगी छात्रों में तीव्र आक्रोश व्याप्त हो गया है। प्रतियोगी छात्र निराश हताश होकर कुंठित हैं। ऐसी प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का घोर उल्लंघन होना भी स्वाभाविक है। भविष्य में प्रतियोगी छात्र सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। तो ये जो आयोग की तरफ से भर्ती होनी थी उसकी प्रतिनियुक्ति पर जो नियुक्ति की जा रही है तो इसी का विरोध है। और जो PCS के पदों के बारे में बात करें तो जो 200 पद PCS के आए थे इन पदों की संख्या बढ़कर अब लगभग 400 हो गई है। और अगर ये BDO के सारे पद यहाँ पे जोड़े जाएं तो पदों की संख्या और बढ़ जाएगी। इस बारे में NIT को काउंसलिंग की जिम्मेदारी मिली है और केंद्रीय तकनीकी संस्थानों में सितंबर के अंत तक शुरू होगी प्रवेश परीक्षा। देश के केंद्रीय तकनीकी संस्थानों NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो ये और IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों तरह के कॉलेजों में जो एडमिशन होते हैं उसकी जिम्मेदारी इस बार मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान को मिली है, MNNIT को मिली है। तो प्रोफेसर राजीव त्रिपाठी को सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया गया है। CBSE की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। 10वीं व 12वीं कक्षा के बचे हुए पेपर अब 1 से 15 जुलाई के बीच में होंगे। 10वीं की परीक्षाएं सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में होंगी, स्कूल में होंगी, जबकि 12वीं कक्षा के 12 पेपर देश भर में होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि नई डेट शीट जल्द घोषित होगी। उत्तर पूर्व दिल्ली में 12वीं के बचे हुए 11 पेपर भी होंगे जबकि विदेशों में बची हुई परीक्षाएं नहीं होंगी। विश्वविद्यालयों में सत्र 6 जुलाई से शुरू हो जाएगा और प्रथम वर्ष की कक्षाएं 17 अगस्त से शुरू होंगी। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पूरी डिटेल जो है शैक्षिक सत्र है जो 2021 उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करते हैं इन अपडेट्स से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे इस तरह की अपडेट आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।